उनका एक ही ध्यान है, केवल पैसा पैदा करना। कोई भी गलत तरीके से हठघंडा निकाले नगर पालिका के प्रति और पैसा कमाए, उनको नगर की समस्याओं, छोटी सी नगर पंचायत में चले जाए तो उसमें लगता है कि शहर में आ गए, और हमारे अगर नगर पालिका में आ जाओ तो ये लगता है किसी कीचड़खाने में। इन्हें कैसे भी दिखे पैसा दिखना चाहिए, कैसे निकले पैसा निकलना चाहिए। इन्हें केवल पैसा दिख रहा है, नगर की जनता से या सभासदों से किसी से कोई मतलब नहीं। नगर के अंदर इतनी गंदगी फैली पड़ी है, जगह जगह कीड़े दौड़ रहे हैं। नगर में फैली बेशुमार गंदगी को लेकर सभासदों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन की समाधान की मांग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन अभियान को चलाकर देश को साफ सुथरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं नवाबगंज पालिका अध्यक्ष की मनमानी के चलते स्वच्छ भारत मिशन अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। नगर में फैली बेशुमार गंदगी के चलते नवाबगंज नगर पालिका पूरी तरह से नरक पालिका बन चुकी है, लेकिन नगर की चेयरमैन को कोई परवाह नहीं है। इसी के चलते नगर पालिका के कई सभासदों ने एसडीएम कुमार धर्मेंद्र को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की है, तो वहीं एसडीएम ने जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। गंदगी की और पानी का, कहीं पानी का इतना बहाव है वहाँ पे कि उसके वजह से होलिका दहन का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा। नगर में शादियां भी हो रही सर, सबके लगभग तमाम लोगों के, तो कचरा रोड पर है, बजबजा रहा है, कहते बहुत कीड़ा पड़ गया उसमें, बुरी तरीके से गंदगी फैली हुई है। सर ये तो होली गेट पे आप कभी नेशनल हाईवे जाते हो, जाते हो कभी, आप एक मिनट रोक के देख लीजिएगा अपने मंदिर के पास में कितना अटंबार लगा हुआ है गंदगी का। हम सभासद लोग हैं, कुछ बार हमने अपने लोगों पैसे से जिम से पैसे खर्च करके भी सफाई कराई। इसके अलावा कुछ नहीं है, उसी को मान के वही शुरुआत करा, उसी में लगा। और अगर साहब एक चेयरमैन साहब भी अगर कोई हड़धर्मता पे है तो आप उनसे भी कह सकते हैं, विशेष करके नहीं, देखो हम सबसे बात करें जी, कोई हड़धर्मता पे रहे या कोई इशू है, हम सबसे बात करें, चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं, हम सफाई कर्मियों से बात कर रहे हैं, स्टाफ वालों से बात कर रहे हैं। हमने इनसे भी यही कहा है कि भाई आप जो स्टाफ का मामला था, सफाई कर्मचारी स्टाफ मत जुड़िए, सफाई कर्मचारी अपना काम करते रहे, स्टाफ की अपनी समस्या वो अलग देखेंगे उसको जी जी। अब सब एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो फिर तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। कोई ऐसी जंगल तो है नहीं यहाँ पे, कोई ना कोई समस्या तो है ही, यहाँ बहुत सारी समस्या है, और सब एक दूसरे को सफाई कर्मचारी स्टाफ का साथ दे रहे हैं, स्टाफ सफाई कर्मचारी देखो तो बैठे रहेंगे ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, या तो ये अपना काम करेंगे या डीजल का चला रहा है तो उसमें ये कि पुराना बहुत सारा बकाया है उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। अगर डीजल की समस्या है तो कोई नया पेट्रोल ढूंढ के उसे हम चालू करवा देते हैं, और जो पेमेंट उसका जिस दिन रहे उसी दिन पेमेंट करके। अभी तक नगर पालिका में से ना तो रात में कोई जनरेटर चलता है, सालों का बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपको एक महीने का बताता हूँ पूरे साल। और ये जनरेटर खर्चा में कितना डीजल पड़ जाएगा ये आप भी समझते हैं, और वो उससे 10 गुना निकालना चाह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहले क्या होता है उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, जिस समय पर मैं हूँ उस समय कोई समस्या आपको लगती है इसमें ये हो रहा है, वो चीज मेरे संज्ञान में लगी, उसका तो मैं काम। और नगर व्यवस्था पे अगर हो जाए प्रकाश डलवा दीजिए उनसे, चेयरमैन साहब से बात करके कि लाइटें, और 3 सालों से बिल्कुल किसी भी दिन नगर में रात को लाइट नहीं चलती। चलो पहले तो हम सफाई करवाएं जी जी, और देखो सब उस पर आशा पे टिका हुआ जी जी, करो जल्दी ठीक हो जाए ठीक है जी जी। पर ये वास्तव में गलत है कि इन लोगों को हमने 4 महीने का वादा किया था जी, और 4 महीने का वेतन हमने इनको दे दिया जी, इसके बाद भी ये बैठ गए जाके, ये बहुत बैठे हैं ठीक है, और जब तक तो ठीक था कि वेतन नहीं मिला, तब तक तो हमें भी लगता है कि चलो वेतन हाँ, नहीं मिला। सही बात है, हमें नहीं लगता कि हम जैसे सभासद बने हैं, एक साधारण नागरिक आए हैं या सभासद बन के आए, जनता हम चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए भी बहुत लोग परेशान हैं। इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो है निदेशालय से जो कर्मचारी जिस लेवल का ठीक है, या जो उसकी पोस्ट है उससे उसी का काम किया जाए, वर्तमान में यहाँ पे कोई लिपिक नहीं है। जिसके बाद सभासदों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है,
नगर की गलियों की नालियां चौक होने से नालियों का सारा पानी गलियों में भर जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी नालियों के गंदे पानी में घुसकर निकलने को मजबूर हैं। कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। होलिका दहन के स्थान पर भी पानी भरा हुआ है। मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी तरफ का रास्ता साफ नहीं है। सभासदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर के चेयरमैन को नगर की जनता या सभासदों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ यह दिख रहा है कि किस तरह से पैसा अपनी जेब में किया जाए। चेयरमैन पूरी तरह से अपनी हठधर्मिता पर हैं, इसी के चलते हम लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, यहाँ नगर नवाबगंज में सफाई व्यवस्था बहुत ही अधिक खराब है और कितनी बार भी कहने के बावजूद भी कोई भी इस व्यवस्था पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ना तो नगरपालिका चेयरमैन साहब ध्यान दे रहे हैं, ना सफाई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। अभी कर्मचारियों की 4 महीने का वेतन भी SDM साहब से हम सब लोगों ने प्रार्थना करके दिलवा भी दिया, उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी बिल्कुल ही काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सराय मस्जिद पे बहुत ज़्यादा अटम्बार लगा हुआ था तो लोग जो हमारे अपने मुस्लिम भाई जो नमाज़ पढ़ने आते थे उन लोगों को बड़ा दिक्कतें हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे देखा तो फिर मैंने अपनी जेब से 400 रुपये में 2 मजदूर करके वो सब गंदगी वहाँ से हटवाई। ऐसी अपना ये कमेटी हाल के पास में मंदिर है, इस मंदिर पे भी कमेटी हाल में शादियाँ होती हैं, लोग पतले फेंक देते हैं, गंदगी होती है, कूड़ा के ढेर हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ पर मैंने 500 रुपये दे के मूत्राला भी साफ़ कराया, पतले भी उठवाई और गंदगी भी सफाई कराई, लेकिन आए दिन की ये समस्या है। अब लगभग 10 दिन से फिर इतनी गंदगी हो गई है कि जिसके वजह से वहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा है। लेकिन चेयरमैन साहब भी अपने कर्मचारियों को अगर टाइट होके कहें तो हो सकता है इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि नगर की जनता हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने, दोनों भाइयों लोगों ने अपने नगर के चेयरमैन को वोट दे के चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया भी। बाकी तो चेयरमैन वजह है जो चेयरमैन साहब ध्यान नहीं दे रहे सफाई व्यवस्था, उनका एक ही ध्यान है केवल पैसा पैदा करना। कोई भी गलत तरीके से हठघंटा निकाले नगर पालिका के प्रति और पैसा कमाएं, उनको नगर की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ना गंदगी से मतलब है, ना मस्जिद के पास कूड़े के ढेर से मतलब है, ना मंदिर के पास कूड़े के ढेर से मतलब है। उनको केवल जो मतलब है वो पैसे निकालने से नाती हैं और पैसे निकालने का। अब 3 साल से आज तक नगर में एक बार भी रात्रि काल में जनरेटर नहीं चला, केवल ट्रैक्टर ट्रालियों में कितना डीजल फूक जाएगा। अब आप उसका पेमेंट निकलेगा तो सामने आएगा कि उसमें कितना गोलमाल किया है। अपने रिश्तेदारों को ठेके दे देते हैं, गलत तरीके से पैसे देते हैं, लाइटें लगती आती हैं 50 और बिल लगाते हैं 500, जिसका भुगतान नगरपालिका के द्वारा उनको दिया जाता है। नगर के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है रोडों पे और कूड़ेदानों में कूड़ा सड़ रहा है कम से कम 6-6 महीने से, कोई भी किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है और रोडों पे ना तो लाइट की कोई व्यवस्था है, पूरा नगर अंधेरे में है। 2 साले हम लोगों को सभासदी जीते हुए हो गई हैं, 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम हुआ होगा 3-4 महीने, बाकी लगातार कंडीशन हड़ताल की ही चली आ रही है। आए दिन कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो इस समस्या को लेकर हम लोग SDM साहब से आज मिलने आए हैं। SDM साहब को हमने बताया है, इससे पहले भी हम लोग एक बार अपना वो दे चुके हैं DM साहब को, अब आश्वासन मिला है हमें कि आपका समस्या का समाधान होगा। मेरा बीरेन पाल गुप्ता, सभासद नगर पालिका। सर क्या वजह रही जो आज आप SDM साहब से मिले? वजह क्या रही, नगर की जनता ने जो हमें चुन के भेजा और नगर पालिका में इतना भी नहीं है कि कोई सभासद है तो उसको किस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। जनता के काम में आ नहीं पा रहे हैं, नगर में बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब एक छोटी सी नगर पंचायत में चले जाएं तो उसमें लगता है कि जी शहर में आ गए, और हमारे अगर नगर पालिका में आ जाओ तो ये लगता है किसी कीचड़ खाने में आ गए। एक दबंगई मचा रखी है नगर पालिका में, काम के नाम पे सुन कर रखा है, कभी किसी बात को लेकर धरना, कभी कोई कर्मचारी धरना दे देता है, कोई सफाई कर्मचारी धरना दे देते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। पालिका अध्यक्ष से आपने कभी कहा? पालिका अध्यक्ष से तो कहते कहते 2 साल हमें बीत गए इसी बात पे कि नगर पालिका चलो सही सुचारू रूप से चले 2 साल हो गए इस चीज़ को। अब तो हम लास्ट यही है, SDM साहब से मिलने आए हैं और उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर चेयरमैन साहब से कहो तो वो कहते हैं कि यू साहब नहीं है, यू साहब से कहो तो वो कहते हैं चेयरमैन साहब नहीं है, तो बताओ इसका क्या रीज़न है? अगर ये सफाई इसी तरीके से चलती रही तो हम लोग तो सभासदी कर नहीं पाएंगे, हम लोग तो इस्तीफा भी अपना देने के लिए तैयार हैं। अगर इस चीज़ पे उसके बावजूद भी सुधार हो जाए तो अच्छी बात है,
अगर इसके बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा तो हमारा इस्तीफा हमारे हाथ में है, जितने टाइम चाहे चेयरमैन साहब अपने स्तर से दिलवा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको चेयरमैन साहब क्यों ध्यान, ये चेयरमैन साहब की हरकत, वो अभी बताया नहीं हमारे बड़े भाई ने कि ये इन्हें कैसे भी दिखे पैसा दिखना चाहिए, कैसे निकले पैसा निकलना चाहिए, इन्हें केवल पैसा दिख रहा है, नगर की जनता से या सभासदों से किसी से कोई मतलब नहीं, हर तरफ पैसा आना चाहिए, कैसी आए, चाहे गुंडा तरीके से आए, चाहे हर धर्मता से आए, कैसी आए। कई बार जैसे अपने ज्ञापन दिया है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में त्यौहार समय समय पर आते रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह और त्यौहार पर साफ़ सफाई, हर कोई घर तक की साफ़ सफाई करता है, और चूंकि हम लोग सभासद हैं तो हमारी जिम्मेदारी है अपने वार्ड को स्वस्थ और सुंदर बनाना, मगर हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि आप जो होली का त्यौहार आ रहा है आपसे 20-22 दिन बाद, तो हम वहाँ पर होलिका दहन होता है, जो हमारा स्थान बना हुआ है ऑन हाईवे नेशनल हाईवे के पास में है, हर कोई देखता है, हर जिम्मेदार देख रहा है, मगर उसकी हालत ये है कि वहाँ आप होलिका दहन नहीं कर सकते, ना कोई जा सकता है, इवन अभी बच्चे तक नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, सामने ही स्कूल है, हर जिम्मेदार को पता है, चाहे चेयरमैन साहब हों चाहे DM साहब को भी उस दिन मैंने ज्ञापन दिया था समाधान दिवस में, HDM साहब को आज हम फिर बताने आए। आपने क्या आश्वासन दिया था? DM साहब ने आश्वासन दिया था, अब आपके प्रशासक चूँकि यू नहीं है हमारे यहाँ इस समय, तो बोले चेयरमैन और प्रशासक हमारे HDM साहब हैं इस समय, तो वही करेंगे दोनों लोग निपटारा और जल्दी ही कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। आज भी HDM साहब मिले, बोले ठीक है अभी जो हड़ताल चल रहे थे हमारे जो कर्मचारी वो वापस आ रहे हैं, आ जाएंगे संभवतः कल या परसों तक, कुछ बातें रह गई, ठप है सफाई व्यवस्था, ठप नहीं बिल्कुल ही है ही नहीं, नगर के अंदर इतनी गंदगी फैली पड़ी है, जगह जगह कीड़े दौड़ रहे हैं, अब हर सभासद से जवाब जनता मांग रही है, क्योंकि घर घर सभासद जाता है और हर सभासद के घर पर जनता पहुंच जाती है, ना ही HDM साहब के पास कोई आता है, ना ही चेयरमैन साहब के पास कोई आता है, अब HDM साहब के पास आज आए हैं, वो HDM साहब ये कह रहे हैं कि 4 महीने की तनख्वाह जो डाल दी सफाई कर्मचारी की, और फिर भी वो धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आज HDM साहब ने कहा है कि हम जाकर सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं, अगर वो कल परसों से सफाई करते हैं तो ठीक है, वरना कोई ना कोई एक्शन लिया जाए।